गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो इट इज़ डे टू ऑफ आर दिल्ली टू कश्मीर रोड ट्रिप. कल हमने जम्मू में हॉल्ट किया था और आज सुबह के 5 बजे हैं और हम निकल रहे हैं कश्मीर के लिए. तो हम निकल गए हैं सुबह के 5:15 बजे हैं और पहले पड़ेगा नगरोटा. और ये एक चेक पॉइंट है जहाँ से पूरा ट्रैफिक कश्मीर जाने का रेगुलेट किया जाता है. रोज की एक ट्रैवल एडवाइजरी आती है, स्पेशली नाउ ड्यूरिंग अमरनाथ यात्रा, कि यहाँ से कितने बजे से और कितने बजे तक ये ट्रैफिक अलाउ किया जाएगा. आज का है कि 6 से 12 बजे तक यहाँ जम्मू साइड से टूरिस्ट जा सकते हैं. तो बस चलते हैं और पहुँचते हैं वहाँ पर. ये है जम्मू का जू. ये है IIT जम्मू का. ये जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे है और बढ़िया बना हुआ है. और सिटी से निकल के इतना खूबसूरत लैंडस्केप है कि आपको लगता है हर जगह पिकनिक कर सकते हैं. बहुत ही खूबसूरत. जम्मू से श्रीनगर का डिस्टेंस करीब 250 किलोमीटर है और सुबह अगर आप निकलते हैं तो 6 घंटे लगते हैं और जैसे ट्रैफिक बढ़ जाता है तो करीब 7 घंटे लगते हैं बाद में. हम श्रीनगर नहीं जाएंगे, हम पहले ही अनंतनाग से कोकरनाग चले जाएंगे. अनंतनाग इज़ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर दैट यू हिट आफ्टर यू क्रॉस बनिहाल. तो हम अनंतनाग में कोकरनाग चले जाएंगे और यहाँ से 205 किलोमीटर है जम्मू से और 5 घंटे लगते हैं. तो हम काफ़ी पहले पहुँच जाएंगे श्रीनगर पहुँचने से. बेहद खूबसूरत व्यूज़ है अभी और क्लाउडी हो रहा है और ये एक्सप्रेसवे ज़बरदस्त है. ये कटरा एक्सप्रेसवे जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो आगे रामबन पे आती है जहाँ हर दूसरे दिन लैंडस्लाइड होता है और वो सड़क काफ़ी बंद रहती है, मेजर ट्रैफिक जाम रहता है वहाँ पर. तो लेट्स होप कि ये सड़क काफ़ी दूर तक ऐसे कंटिन्यू करे. तो मौसम एकदम मिस्टी हो रहा है. जस्ट होप कि हम रामबन क्रॉस कर लें और फिर बारिश आए. पहले बारिश ना आए भैया. हम पहुंचे हैं उधमपुर और ये बहुत बड़ा आर्मी का कॉन्वॉय जा रहा है तो ये पीछे से बार बार विसल कर रहे हैं साइड हो जाओ. मौसम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही बढ़िया मौसम है, मिस्टी हो रहा है. अभी हमने जखानी चेक पोस्ट क्रॉस किया जो उधमपुर में है. तो जखानी तक एकदम पिक्चर परफेक्ट ड्राइव थी, लश ग्रीन लैंडस्केप था. जखानी के बाद ये रफ माउंटेन शुरू हुए हैं, थोड़े पत्थर गिरे हुए हैं, थोड़ा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है. बहुत बड़ा आर्मी का कॉन्वॉय चल रहा है. मौसम अच्छा है, ऑल इज़ वेल एंड रामबन करीब और 50 मिनट है, क्रॉस हो जाए बस. और क्या बढ़िया सनराइज दिख रहा है बादलों के बीच से. आर्मी का एक बहुत बड़ा कॉन्वॉय चल रहा है साथ में. आई हैव नो आइडिया कितने ट्रक्स हैं उसमें. 200-300 तो हम ही ने देख लिए. इतना लंबा कॉन्वॉय चल रहा है, हो सकता है एक एंड कश्मीर पहुंच गया है श्रीनगर और एक एंड जम्मू में ही है. रोड अच्छी है अभी तक, ट्रैफिक हल्का ही है, बस ये कॉन्वॉय का जो ट्रक्स चल रहा है और गाड़ियां रेस कर रही हैं. और ये सनराइज देखिए. चनानी टनल आ गया जिसको रीनेम किया श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल. करीब
8 या 9 किलोमीटर लंबी टनल है। तो कुछ देर बाद टनल में आप थक जाते हो कि यार ये खत्म ही नहीं हो रही, खत्म ही नहीं हो रही, मगर वेरी वेल मेंटेन्ड टनल और ट्रैफिक ठीक ठीक है। और ये नया एक टनल है जो अभी चालू ही किया होगा, तो अंदर कोई बिजली बिजली का कोई इंतज़ाम नहीं है, तो एकदम घुप अंधेरा था। तो ये मेकशिफ्ट आयरन ब्रिज बने हैं जिसमें वन एट अ टाइम एक ही व्हीकल जा सकता है। नदी में पानी बहुत है इस वक्त, रामबन पहुंच गए फाइनली। राइट पीछे ना, या कंटिन्यू ऑन रामबन गो रोड फॉर 1 किलोमीटर। मेरे को लगा हम साला गलती से तो नहीं चढ़ गए इस ब्रिज पर, वो ऐसे वॉक कर रहा बीच में ब्रिज के। 200 meters slide left onto National Highway 244A, National Highway। जबरदस्त नदी में पानी है इस वक्त, भागता उछलता पानी। और यह है रामबन की मस्जिद मार्केट। रामबन हमने फाइनली क्रॉस कर लिया। कश्मीर के सफ़र में ये सबसे बड़ा हर्डल रहता है क्योंकि ये बहुत लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, सड़क बैठ जाती है और सड़क बहुत जगह बनी भी नहीं हुई, तो ये क्रॉस करना मेजर हर्डल है। अब 2 घंटे का हमारा सफ़र रह गया है कोकरनाग तक। लास्ट ईयर हम अक्टूबर में आए थे तो तब ये रोड का काम बहुत चल रहा था और ग्रीनरी नहीं थी इतनी जो अभी एकदम खुशनुमा ग्रीनरी है और एकदम लश ग्रीन हो रहा है लैंडस्केप, वो तब इतना नहीं था, तो इस वक्त तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो ये काफ़ी टनल्स जो हैं, ये लास्ट टाइम हम जब आए अक्टूबर में लास्ट ईयर 2022 में, तो ये ऑपरेशनल नहीं थी, वर्क इन प्रोग्रेस थी, तो ये काफ़ी टनल्स अभी ऑपरेशनल हो गई हैं। पीछे अभी हम एक टनल में आए जो अभी अभी खुली थी, जिसमें बिजली तक नहीं थी अंदर, लेकिन उन्होंने ट्रैफिक के लिए खोल दिया, तो एकदम अंधेरे में हम उसमें से आए हैं, मगर इनसे रास्ता काफ़ी ईजी हो गया है। हम पहुंचे हैं बनिहाल। एक घंटे का हमारा जर्नी रह गया है और कोकरनाग तक। तो बधाई एवरीवन, वी हैव ऑफिशियली एंटर्ड कश्मीर और ये रास्ता सीधा श्रीनगर को चला जाएगा। एंड दिस इज the view to welcome you to Kashmir। और इससे बढ़िया क्या वेलकम आपको मिलेगा कि ये खूबसूरत लैंडस्केप बाहें फैलाए आपके लिए खड़ा है। हम इस रास्ते से आए और ये हाईवे सीधा श्रीनगर को चला जा रहा है, हमने ले लिया ये राइट टर्न
कोकरनाग के लिए और हम इधर चले जाएंगे। ये खूबसूरत सड़क कोकरनाग को चली जा रही है। कोकरनाग क्यों जा रहे हैं हम? कोकरनाग अनंतनाग का बहुत ही खूबसूरत गार्डन है, बोटानिकल गार्डन है, बहुत पॉपुलर गार्डन है। अच्छाबल, वेरीनाग और कोकरनाग, ये अनंतनाग के तीन गार्डन हैं जो देखने लायक हैं, जो नायाब हैं। आप श्रीनगर के मुगल गार्डन्स की जब बात करते हैं उतने ही खूबसूरत, अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम उतने ही खूबसूरत ये गार्डन है। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली टूरिस्ट वहाँ नहीं जाता है क्योंकि सब श्रीनगर से चले जाते हैं। मगर आप नेक्स्ट टाइम जब भी कश्मीर आएँ, अगर रोड से आ रहे हैं तो पहले ये गार्डन्स पड़ते हैं, फिर श्रीनगर पड़ता है। And if you're flying in, then you can always come from Srinagar. Take the next ride toward Mehmood Abad Bridge. 2 घंटे का सिर्फ सफर है श्रीनगर से कोकरनाग तक का। तो कोकरनाग, वेरीनाग और अच्छाबल, ये गार्डन्स आप जरूर जरूर देखेगा। और आगे पड़ता है डाक्सुम, ऐसी जगह आपको कश्मीर में बहुत ही कम देखने को मिलेंगी। वर्जिन टेरिटरी, नेचुरल ब्यूटी, बहुत ही खूबसूरत। इन तीन गार्डन्स के वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप ये वीडियो जाके देखिए। और डाक्सुम का भी आप वीडियो जरूर देखेगा, आप एकदम हैरान रह जाएंगे कि ये जगह आपने कैसे मिस कर दी। और ये रास्ता देखें कितना खूबसूरत है, रास्ता ही इतना खूबसूरत है। एक छोटी सी सड़क जो हाईवे को छोड़कर ये अनंतनाग जिले से जा रही है। अनंतनाग पहले मिलिटेंसी के टाइम बहुत डिस्टर्ब एरिया था, लेकिन अब एकदम पीसफुल है। पीपल आर सुपर नाइस, सुपर हेल्पफुल, प्रॉब्ली द फ्रेंडलीस्ट यू विल मीट इन द स्टेट। हम दोबारा कोकरनाग से क्यों अपना कश्मीर ट्रिप शुरू कर रहे हैं, वो इसलिए कि हम वारवान वैली जाएंगे, जो कोकरनाग से रास्ता निकलता है वायलू होकर। तो हम ये व्यू पॉइंट पर थोड़ा सा रुक गए हैं, कोकरनाग और 25 मिनट दूर है। काजीकुंड के बाद श्रीनगर हाईवे से हमने राइट ले लिया कोकरनाग के लिए, और ये छोटी सी सड़क हमें कोकरनाग तक लेके जा रही है। ये एक्चुअली वेरीनाग जो मुगल गार्डन है वहाँ से कोकरनाग का ये शॉर्टकट पड़ता है। बहुत खूबसूरत ड्राइव है। एंड सी आर अर्लियर वीडियो ऑन दीज मुगल गार्डन्स, ऑन दी अनंतनाग मुगल गार्डन्स दैट वी हैव मेड। और बहुत ही खूबसूरत ड्राइव है ये, कोई ट्रैफिक नहीं है, आप अकेले सड़क पे, पहाड़ी सड़क पर जा रहे हैं विद ऑसम ऑसम व्यूज। एंड जस्ट 25 मिनट्स मोर टू कोकरनाग, सुपर सुपर हैप्पी। ये कश्मीर की खूबसूरती में आकर, ये लश ग्रीन लैंडस्केप में, इतना खूबसूरत जगह शायद ही ऊपर वाले ने कहीं और बनाई है। तो एक्सट्रीमली हैप्पी, यहाँ के लगता है कि यहाँ से अब नहीं जाएंगे। ये वापस हम नेशनल हाईवे को हमने पकड़ लिया है, वेरीनाग से कोकरनाग की जो शॉर्टकट वाली हिल रोड थी वो ख़त्म हो गई, हम नेशनल हाईवे पर आ गए। यहाँ से 7 मिनट है कोकरनाग गार्डन, जिसके अंदर हम रहेंगे, अंदर JKTDC की हट्स है चिनार के पेड़ों के नीचे, उनकी छाँव में वहाँ हम रहेंगे। लास्ट टाइम भी हम वहीं रहे थे एंड सुपर 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 हैप्पी, ऐसे लग रहा है जैसे वापस घर आ गए। इतना हमने कश्मीर ने हमें प्यार दिया, इतना हमें कश्मीर से प्यार हुआ कि हमें ऐसे लग रहा है कि हम जैसे वहीं 10 महीने बाद घर वापस आ गए। हम पहुंच गए हैं कोकरनाग।
यहाँ से हम जाएंगे कश्मीर के सबसे अछूते और अनएक्सप्लोर्ड रीजन वारवान वैली। 3700 मीटर ऊंचे मर्गन टॉप से होकर हम जाएंगे वारवान वैली। वेरीनाग, अच्छाबल और कुकरनाग इन नायाब बागों के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ये वीडियो ज़रूर देखेगा।